हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नफीस और आप देख रहे हैं माय विजन। आइए शुरू करते हैं क्लास फोर्थ का सेवेंथ टॉपिक। इससे पहले तक मैं सिक्स्थ टॉपिक तक कंप्लीट कर चुका हूं। आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आखिर जो है, आप किसी सेंटेंस को आपको अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और साथ में मैं ग्रामर के रूल्स भी लेके आऊँगा, ताकि जो है, जो 25 मार्क्स के बेसिकली ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन इस तरह के, तो आपको वो आसानी से समझ में आए, है ना, कि कहाँ पे जो है ग्रामर का किस तरह से यूज़ करना है, ओमिशन या फिर जो भी ग्रामर के जो है रूल रेगुलेशन होते हैं, मैं सब बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। कह रहे रीड एंड लर्न दिस पोयम। इस पोयम को पढ़िए, रीड कीजिए और लर्न कीजिए, याद कीजिए, है ना, इस कविता को। द वॉटरिंग राइम। ये वॉटरिंग यानी पानी, वॉटरिंग यानी पानी देने, बेसिकली वाटरिंग मतलब होता है पानी देना। राइम, ये राइम है यानी कि एक पोयम है, एक मिलता है राइम बेसिकली, जो जिसे हम गाते हैं बेसिकली उसे हम राइम कहते हैं। राइमिंग वर्ड जैसे होता है, जो गाने एक जैसा, गाने जैसा हमें मिलता जुलता जो है लगे, तो ये वॉटरिंग पानी देने का जो है बेसिकली ये राइम है ना। कह रहे कि अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर्स। सुबह में सवेरे, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे और द इवनिंग आवर, या शाम के जो है घंटे में, आर द टाइम टू वाटर, समय है पानी देने का। एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, हर एक फ्लावर को, वॉटरिंग एट नून डे, नून डे सॉरी, वॉटरिंग एट नून डे, दोपहर में पानी देना। व्हेन द सन इज हाई, जब सूरज जो है हाई होता है, तेज होता है, डजंट हेल्प द फ्लावर, वो जो है फ्लावर को हेल्प नहीं करता है, ओनली मेक देम डाई, सिर्फ जो है उसे मारता है ना। तो ये बेसिकली इसमें कहना ये चाह रहा है कि सुबह और शाम जो है पानी दे, ताकि फ्लावर आसानी से ग्रो हो पाए। अगला इसमें ये कह रहा है कि ऑल्सो वेन योर वाटर, जब आपका पानी, वाटर एट द रूट्स, जब वाटर जो है रूट के पास, एट द रूट, रूट पे जाएगा, फ्लावर्स किप्स देयर माउथ देयर, फ्लावर जो है अपने मुंह को जो है वहां रखेंगे। वी शुड वियर आवर बूट्स, हम जो है अपने जूते पहनते हैं। वी शुड वियर, हमें पहनने चाहिए, शुड मतलब चाहिए होता है बेसिकली, तो वी शुड वियर आवर बूट्स, हमें जो अपने जूते पहनने चाहिए। सो द अर्थ अराउंड देम, द अर्थ के पास जो, ताकि जो है वो सोक ना करे, वो पानी जो है हमारे पैर में बेसिकली अराउंड वहां पे, चूंकि पानी लगा हुआ होता है तो हमें जूते पहने करें। सोक द अर्थ अराउंड, चूंकि वहां पे अर्थ जो है पानी को सोक कर लेता है, वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है, ले लेता है ना, तो इसलिए हमें वहां पे बूट पहनने चाहिए। देन थ्रू ऑल द हीट, और उसके बाद जो है, और वो साथ में क्या करता है, वो और सारे हीट को भी जो वो जमीन वो जो सोक करता है ना, तो वो सब हीट को जो है अपने पास ले लेता है। द फ्लावर विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट, उसके बाद जो है फ्लावर को भी जो है पानी मिल जाता है उसके प्यासी पैर के लिए, फीट के लिए, है ना। तो बेसिकली ये उसके उसी पोयम के साथ था। तो हम बेसिकली हम पोयम इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ताकि हम वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सके, और ये फोर्थ का है तो जो फोर्थ के बच्चे हैं उसे मीनिंग भी समझ में आ जाए तो बेटर है। अब आगे कह रहा है कि द गिविंग ट्री, अब जो एक पेड़ की बात कर रहा है कि पेड़ आखिर जो है क्या देता है ना। हाउ डू यू फील, कैसा तुम महसूस करते हो, वेन यू हेल्प समवन, जब तुम किसी का जो है मदद करते हो, है ना। हाउ डू यू फील वेन यू शेयर योर थिंग्स टू अदर्स, जब अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर करते हो तो कैसा महसूस होता है। रीड दिस प्ले, इस प्ले को, इस जो है खेल को, इस खेल को या इस जो है ड्रामे को आप पढ़िए, एंड नो, जानिए, हाउ अ ट्री फील्स वेन इट हेल्प्स अ बॉय, कैसा ये महसूस करता है जब वो पेड़ एक बच्चे की मदद करता है। नैरेटर इसमें कह रहा है, जो लिखा है जिन्होंने इस स्टोरी को, वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। वंस, एक बार, देयर वॉज अ ट्री, वहां एक पेड़ था, एंड और इट लव्ड, वो प्यार करता था अ लिटिल बॉय, एक छोटे से बच्चे को,
एवरी डे, हर एक दिन द बॉय, वो बच्चा वुड विजिट, वो पहुंच जाता था, वुड मतलब सकना, वो पहुंच जाता था, पहुंच सकता था या पहुंच जाता था द ट्री के पास एंड एंजॉय इट, और उसे जो है वो खुशी मनाता था क्योंकि पेड़ जो है उसको काफ़ी चीज़ें देती थी, है ना, और उसके इसलिए एंजॉय इट्स कंपनी, उसका जो है साथ, कंपनी का मतलब यहाँ पे साथ है बेसिकली, तो इसके साथ वो जो है काफ़ी इंजॉय करता था, है ना। अब वो ट्री क्या कह रहा है, कम हेयर, नज़दीक आओ माई बॉय, मेरे बच्चे, कम एंड क्लाइम अप, नज़दीक कम आओ, कम मतलब आना एंड क्लाइम अप, ऊपर जो है चढ़ो माई ट्रंक, हमारे जो है शाखों पर, एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांच, और मेरे ब्रांच से जो है स्विंग करो, मेरे ब्रांच से जो है कूदो, छलांग लगाओ, है ना। बॉय कहता है, बॉय स्विंगिंग, एक मिनट, हाँ स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, और बच्चा भी यही कहता है, आह व्हाट फन, क्या मजा आ रहा है ना। ट्री कहती है कि आर यू एंग्री, क्या तुम दुखी हो, ईट माई एप्पल, मेरे जो है फल खाओ, है ना। बॉय कहता है, बॉय ईटिंग एप्पल्स, वो फल खाता है, हाउ डिलीशियस, कितना यह स्वादिष्ट है। नरेटर, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड, जब बच्चा थक जाता है, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे सो जाता है, द ट्री वाज हैप्पी, खुश होता है, टू गिव इट शेड, अब इसे छाया देके पेड़ काफी खुश होता है, बट टाइम वेंट बाय, अब जो है समय निकलता रहता है, एंड द बॉय ग्रेव ओल्डर एंड वेंट अवे, अब जो है बच्चा बड़ा हो जाता है और वो चला जाता है। अब क्या कह रहा है पेड़ देखते हैं, द ट्री वॉज ऑफन अलोन, अब जो है वो पेड़ अक्सर जो है अकेला रहने लगा, आफ्टर सम ईयर, कुछ साल के बाद, वन डे द बेबी केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, बच्चा जो है पेड़ के नज़दीक आया और वो जो पेड़ जो है वो काफ़ी खुश हुआ, ट्री कम माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, मेरे बच्चे, माई बॉय, मेरे बच्चे, कम आओ एंड क्लाइम अप, और ऊपर चढ़ो मेरे ट्रंक पे, मेरे जो है टहनियों पर, एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांच, और जो है मेरे ब्रांच से जो है स्विंग करो, छिछलो या फिर छलांग लगाओ, है ना। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइम, अब जो है मैं बड़ा, काफी बड़ा हो गया हूँ चढ़ने के लिए, एंड प्ले, और खेलने के लिए, आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स, अब मैं जो है चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, एंड हैव फन, और उससे जो है मैं खुशियाँ मनाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट सम मनी, और मैं कुछ पैसे चाहता हूँ, कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो। ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई पैसा नहीं है, आई हैव ओनली लीव्स, मेरे पास सिर्फ पत्ते हैं एंड एप्पल्स और सेब हैं, यू कैन प्लग माई एप्पल, तुम जो है मेरे एप्पल को, मेरे फल को जो है प्लग कर सकते हो, तोड़ सकते हो, एंड सेल देम, उसे बेच सकते हो इन द मार्केट, मार्केट में, देन यू विल हैव मनी, और तब जो है तुम्हें उससे पैसा मिलेगा। नरेटर कहता है, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल एंड कैरीड देम अवे, वो क्या करता है, प्लग्ड कर लेता है, तोड़ लेता है खुशी खुशी, हैप्पीली द एप्पल एंड कैरीड देम अवे, और कैरीड यानी धोके ले जाता है उसे, देम उसे अवे दूर, द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, पेड़ भी काफी खुश था, बट द बॉय स्टेड अवे, और उसका तब क्या होता है, वो बच्चा जो है स्टेड यानी रह जाता है अवे दूर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम के बाद, एंड द ट्री वॉज सैड, अब जो है पेड़ काफी दुखी होता है, वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विथ जॉय, और उसके बाद जो है काफी दिन के बाद जब बच्चा आता है तो पेड़ काफी खुश होता है और खुशी से वो झूमने लगता है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ट्री कम बॉय, आओ बच्चे, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, मेरे पेड़ पे चढ़ो, मेरे टहनियों पे चढ़ो, स्विंग करो फ्रॉम माई ब्रांच, मेरे ब्रांच से जो है छछिलो या कूदो, बेसिकली स्विंग का मतलब होता है छछलना, जो स्विंग वो एक पार्क में जो लगा रहता है ना जिसमें बच्चे चढ़ के स्विंग करते हैं, फ्रॉम माई ब्रांच, है ना, तो मेरे ब्रांच से जो है स्विंग करो, अब ईट माई एप्पल, मेरे सेब को खाओ, मेरे एप्पल को खाओ, प्ले इन माई शेड, मेरे जो छाए में खेलो एंड बी हैप्पी और खुश रहो, वही कहता है।
आई एम टू बिजी, मैं बहुत ही बिजी हूँ टू क्लाइंब ट्री, मैं अब पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं मेरी जो है शादी हो रही है, एंड आई नीड अ हाउस, मुझे एक घर चाहिए फॉर माई वाइफ, मेरे वाइफ के लिए, मेरी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकती हो? ट्री, आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर नहीं है, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज, मेरे जो है टहनियों को काट सकते हो, एंड बिल्ड अ हाउस, और घर बना सकते हो। नैरेटर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेज एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। उसके बाद जो है वो बच्चा क्या करता है, कट ऑफ, कट काट देता है ट्रीज के पेड़ का जो है बड़ा टहनिया, एंड कैरीड, और उसे ढोक ले जाता है देम, यानी उससे अवे, दूर, टू बिल्ड अ हाउस, घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, अब जो पेड़ काफी खुश हुआ, बट द बॉय स्टेड अवे, अब जो दूर रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम के लिए, एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, अब फिर से जो है पेड़ दुखी हो गया, एंड वेन ही कम बैक आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों के बाद जब वो वापस आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी, पेड़ जो है काफी खुश हुआ, दैट ई कुड हार्डली स्पीक, अब जो है इतना खुश हुआ कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब जो है वो जवान आदमी था। ट्री, कम बॉय कम, वॉट कैन आई डू फॉर यू, अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं जो है बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट, मुझे जो है एक बोट चाहिए, नाउ चाहिए टू मेक, टू टेक मी अवे, दूर जाने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टहनियाँ बची है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, अब जो है नाव बना लो। कट डाउन, कट करो, कट के काट के नीचे जाओ, कट डाउन है ना, नीचे लेके जाओ माई ट्रंक, मेरे जो है टहनियों को, एंड मेक इट, मेक अ बोट, अब जो है नाव बनाओ। देन यू कैन सेल अवे, अब तुम सेल मतलब होता है समुद्री यात्रा, उसके बाद जो तुम समुद्री यात्रा कर सकते हो, दूर जा सकते हो इससे, है ना। नैरेटर, The young man cut the trunk, trunk काट लेता है of the tree and sailed away in a boat. अब जो है उस बोट पे काफी दूर वो समुद्री यात्रा करने निकल जाता है। The tree was left only with a stump. अब जो है पेड़ जो है सिर्फ और सिर्फ निचला हिस्सा जो है, जो जड़ वाला जो हिस्सा होता है, स्टम्प उसको बोलते हैं, सिर्फ वो हिस्सा से बच जाता है, बाकी जो है वो काट के नाव बना लेता है। अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक, बहुत समय के बाद जो है वो जवान आदमी वापस आता है अगेन दोबारा। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो जो जवान आदमी था वो बूढ़ा हो जाता है। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन पेड़ जो है उसे पहचान लेती है। ट्री, आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ, वो कहता है, पेड़ कहता है, आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ करो फ्रेंड, दोस्त, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मेरे पास कुछ नहीं बचा है जो कि मैं तुम्हें दूं। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल, मेरे दांत जो है बहुत कमजोर हो गए ताकि एप्पल खा सके, एप्पल भी नहीं खा सकते। ट्री, माई ब्रांचेस आर गॉन, ट्री कहता है कि मेरे जो है टहनियाँ भी चली गई, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, आप उस पर जो है स्विंग नहीं कर सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड, मैं भी मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया टू स्विंग ऑन ब्रांच की, मैं पेड़ पे जो है स्विंग नहीं कर सकता। ट्री, माई ट्रंक इज गॉन, मेरा जो है ट्रंक जो है ब्रांचेस जो टहनियाँ थी वो, और जो मेरा पेड़ का जो है वो टहनी जो जो जिसपे ब्रांचेस लगे हुए थे वो भी हमारा जो है चला गया। यू कैन नॉट क्लाइम, तुम चढ़ भी नहीं सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ट्रायर टू क्लाइम, मैं जो है काफ़ी जो है थक गया हूँ, मैं चढ़ भी नहीं सकता, ये भी कहता है। ट्री जो है शाइंग, अब जो है पेड़ जो है शर्मिंदा होता है, साइंग मतलब शर्मिंदा होना, आई एम सॉरी कहता, मुझे माफ करो, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, मैं आशा करता हूँ या मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास कुछ बचा नहीं है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं सिर्फ और सिर्फ बूढ़ा स्टम्प, यानी जो बचा हुआ जड़ है वो हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ करो। ओल्ड मैन, ट्री, मेरे प्यारे पेयर, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने हमेशा मुझे जो है दिया, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, सिर्फ एक शांत जगह, क्वाइट मतलब शांत जगह, शांत होता है प्लेस मतलब जगह, शांत जगह टू सिट, बैठने के लिए, एंड रेस्ट और आराम करने के लिए। ट्री, हैप्पीली, खुशी से, वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड
रेस्टिंग ऑन। अब जो है ये बूढ़ा स्तंभ जो था, जड़ जो था, वो बहुत अच्छा है, इज गुड, बहुत अच्छा है फॉर सिटिंग, बैठने के लिए एंड रेस्टिंग के लिए। कम फ्रेंड, आओ मेरे दोस्त, सिट डाउन एंड रेस्ट, बैठो और रेस्ट करो। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड, और ओल्ड मैन ने करा, एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और पेड़ जो था वो फिर भी खुश था। तो बेसिकली ये हमें इसमें बताया जा रहा है कि पेड़ कितना जो है हेल्पफुल होता है हमारे लिए। और बेसिकली और मेरा मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग मैं आपको दे सकूं। तो इसमें जो आपको समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसको और अच्छे से लूं, और आगे चल के मैं हायर क्लास का भी जो है मैं इंग्लिश लूंगा और न्यूज़पेपर भी लूंगा। उसमें वॉइसेस की कैपेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस वगैरह जो है पेपर में किस तरह से यूज़ किए गए, सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा। तो हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, देन थैंक यू।